किसानों का एक बार फिर से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होता दिख रहा है। पंजाब हरियाणा समेत कई राज्यों से किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सी मांगे हैं जिन्हें लेकर किसान इस बार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने एक बार फिर दिल्ली घेराव की तैयारी कर ली है। पंजाब हरियाणा के साथ कई और राज्यों के किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है। हालांकि किसानों ने इसे चलो दिल्ली मार्च का नाम दिया है, लेकिन इसे किसान आंदोलन 2.0 भी कहा जा रहा है। दरअसल इस किसान आंदोलन का पैटर्न 2020-2021 में हुए किसान आंदोलन से काफी मिलता जुलता है। पिछली बार की तरह ही अलग अलग राज्यों से किसान इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। इस बार किसान अपने साथ ट्रैक्टर, ट्रॉली और राशन भी साथ लेकर आने वाले हैं। यानी पिछली बार की तरह इस बार किसानों का प्लान लंबे समय तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरने देने का है। हालांकि इस आंदोलन को पिछली बार की तरह सभी किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त नहीं है। ये किसान आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर पर नहीं हो रहा, इसे अलग अलग किसान संगठन मिलकर आयोजित कर रहे हैं। किसानों की मांगों को लेकर सरकार के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन फाइनल सहमति नहीं बन पा रही। आइए आपको बताते हैं कि किन मांगों को लेकर किसान संगठन बार बार आंदोलन कर रहे हैं। तो सबसे पहले किसानों की मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के लिए कानून बनाना, और दूसरा इसके अलावा किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं साथ ही आंदोलन में शामिल किसान कृषि ऋण माफ कराने की मांग भी कर रहे हैं। इसके अलावा किसान लखीमपुर खीरी के पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग के साथ भारत को WTO से बाहर निकाला जाए की मांग भी कर रहे हैं। इसके अलावा कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भी भत्ता बढ़ाया जाए। किसान और 58 साल से अधिक आयु के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू करके 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाए। और इसके अलावा भी कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है। वहीं किसानों के दिल्ली घेराव को रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब से लगने वाले सिंधु बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन ने कटीले तार लगा दिए हैं। सड़क पर सीमेंट के बैरिकेड लगा दिए हैं। दिल्ली में गाजीपुर, टीकरी और सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस सख्त तैयारी कर रही है ताकि किसानों को दिल्ली में प्रवेश से रोका जा सके। CCTV और लाउडस्पीकर भी लगाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को ये भी डर है कि कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के दूसरे संगठन भी इसमें शामिल ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो संभव है कि दिल्ली मेरठ राजमार्ग भी बाधित हो सकता है। बता दें चले कि 13 फरवरी को पंजाब के किसान संगठन दिल्ली कूच करेंगे। इसी बीच 12 फरवरी को चंडीगढ़ में 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की अहम बैठक होगी। बैठक में पंजाब के CM भगवत मान भी शामिल होंगे। उधर हरियाणा में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पंजाब से लगने वाली सभी सड़कों को सील कर दिया गया है। पंजाब में बड़ी संख्या में किसान हरियाणा बॉर्डर पर जमा होना शुरू हो गए हैं। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन उग्राहा गुट के नेता जोगिंदर सिंह ने 16 फरवरी को भारत बंद करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सभी किसान संगठनों व कारोबारियों से इसे सफल बनाने की अपील की है। 15 जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है, किसान संगठन कानून व्यवस्था हाथ में लेंगे तो इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।